मेलोडी चॉकलेट तो आपने खाई होगी और अगर नहीं भी खाई होगी तो देखी तो जरूर होगी। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि आपने मेलोडी चॉकलेट नहीं खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी मेलोडी नाम का हैशटैग किसी सोशल मीडिया साइट पर ट्रेंड होते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ आखिर पूरा मामला क्या है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जो खूब सुर्खियां बटोर रही है। एक्स यानी ट्विटर पर एक हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है, मेलोडी हैशटैग। दरअसल शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में आयोजित COP28 समिट में हिस्सा लेने के लिए गए थे। वहां उनकी मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हुई। कार्यक्रम के दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और कैप्शन में लिखा COP28 में अच्छे दोस्त और साथ ही हैशटैग में लिखा मेलोडी। मेलोडी लिखने का मतलब मोदी और मेलोनी के नाम को मिलाकर निकाला जा रहा है। जैसे ही तस्वीर एक्स पर शेयर की गई, वैसे ही एक्स पर इस तस्वीर की वजह से मेलोडी हैशटैग ट्रेंड में आ गया। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोनी के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राजील के प्रधानमंत्री लुइस इनोसिया लुला दा सिल्वा, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन, पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर से भी मुलाकात की। साथ ही पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 4 सत्रों को संबोधित किया और भारत में COP33 समिट करने की बात कही। और ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि जिस तरह हम अपने हेल्थ कार्ड के बारे में सोचते हैं, उसी तरह हमको पर्यावरण के बारे में भी सोचना चाहिए। आखिरी में आपको बता दें पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की 10 महीनों में 4थी मुलाकात है। बता दें जॉर्जिया सितंबर के महीने में G20 शिखर सम्मेलन में भारत आई थी। इस दौरान उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी और इससे पहले भी मार्च के महीने में दोनों की मुलाकात 8वें रायसेन डायलॉग के कार्यक्रम में हुई थी, जहां जॉर्जिया को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। पीएम मोदी दुबई में आयोजित COP28 समिट में शिरकत करने के बाद शुक्रवार देर रात भारत के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुबई आपका शुक्रिया, COP28 समिट बेहतरीन रहा, एक बेहतरीन प्लेनेट बनाने के लिए इसी तरह मिलकर काम करते रहे, शुक्रिया।